Hey guys, what's up everybody? This is Divyanshu Pandey and welcome to another vlog. तो आज है डेट 20th जुलाई. यहाँ का मौसम काफी अच्छा हो गया है क्योंकि अभी कल से बारिश बहुत ज्यादा हो रही है. तो ये है कि टेम्परेचर यहाँ 18 से 20 के बीच में इस समय फ्लक्चुएट कर रहा है. DIG सर से मिलना हो गया है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स और कुछ नई चीजें डिस्कस हुई हैं. इनकेस अगर वो कंप्लीट होती हैं, अभी एक ड्राफ्ट हम तैयार करेंगे, इनकेस अगर वो पूरा होता है तो शायद दिसंबर जनवरी में एक बार वापस यहाँ पे आना होगा. बाकी जो हमारा यहाँ का रेजिडेंस एरिया है, मैं उसके बारे में एक चीज दिखाता हूँ. यहाँ पे ऐसे DIY वाले बहुत सारे छोटे छोटे चीजें मिल जाती हैं. ये नॉर्मल वाले छोटे छोटे पत्थर हैं, उसी पे ये सब बना दिया गया है. ये आई डोंट नो कि क्या चीज है, बट ये भी ऐसे DIY से ही बना हुआ, ये कुछ भी खरीदा नहीं गया है इनमें से. तो ये है हमारा आज का लुक. तो आज का प्लान अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. कल जब हम सोनमर्ग से वापस आ रहे थे तो उसी समय फोन आ गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी से मिलने की हमारी मीटिंग फिक्स हो. लेकिन उस समय हम थे सोनमर्ग में, तो वहां से वापस आने में अराउंड 2-2.5 घंटे हमें लग रहे थे इसीलिए. और टाइम था नहीं, हमें 4:30 बजे मैसेज आया था, 5:30 बजे की मीटिंग थी. तो इस वजह से जो है कल का हमें मीटिंग कैंसिल करना पड़ा, हम नहीं मिल. इसीलिए आज श्रीनगर से कहीं बाहर नहीं जाएंगे कि इनकेस अगर बीच में कभी उनका कॉल आ जाए, उनके ऑफिस से कॉल आ जाए, तो हमें ज़्यादा देर ना हो पहुँचने में, क्योंकि हम श्रीनगर में ही रहेंगे. तो इसीलिए कहीं आज बाहर का प्लान नहीं कर रहे हैं. अब ये चीज़ पता नहीं मैंने अपने पिछले वाले ब्लॉग में कही है कि नहीं कही है, मुझे याद नहीं है क्योंकि अभी वो एडिट नहीं हुए हैं, बट यहाँ का जो खाना है उसका टेस्ट अमेजिंग है. बहुत ही टेस्टी खाना होता है और बहुत ही मतलब डाइट को लेके वैसा वाला खाना होता है. आपको यहाँ का खाना कैसा लग रहा है? टेस्टी ऐसा नहीं लग रहा है कि हम बाहर का खाना, ऐसे लग रहा है मैं अपने परिवार में अपने घर का खाना भोजन कर रहा हूँ. शायद पिछले वाले व्लॉग में ये डल लेक को मैंने थोड़ा कम दिखाया था. तो एक बार अभी इसी रूट से हम जरा जा रहे थे शालीमार गार्डन, तो मैंने सोचा कि एक बार रुक के वापस से एक बार दिखा देता हूँ थोड़ा सा. ये हमारे पीछे है डल लेक. ये अराउंड 22 किलोमीटर्स लंबी पूरी वाइड स्ट्रेच है. और पीछे की साइड ये जो ऐसे बोट्स दिख रहे हैं, ये सारे रेजिडेंशियल बोट्स हैं. यहाँ पे मतलब इसमें रहा भी जाता है, कुछ कहा भी जाता है इसको. और ये हर तरफ से पहाड़ों से कवर्ड है. वहाँ पे भी पहाड़ है, उधर भी पहाड़ है, पीछे भी पहाड़ है, मतलब हर जगह पहाड़ है. पहाड़ के जस्ट ऊपर वहाँ पे बादल है. तो ये था यहाँ का डल लेक. अभी हम जा रहे हैं शालीमार गार्डन और मेन आज का हमारा जो फोकस स्पॉट है वो वही है. पीछे इस समय जो भी आपको दिख रहा है इसे कहते हैं चश्मा शाही. शालीमार गार्डन का ये एक हिस्सा इसे कहेंगे. तो अभी हम आए हैं मुगल गार्डन में चश्मा शाही जगह पे. यहाँ पे फिर से एक इशू हो गया था कि पहुंचते ही आपको या तो अपने दोनों डोज का सर्टिफिकेट दिखाना है वैक्सीन का, या फिर आपने अभी 2 दिन पहले कोई टेस्ट कराया हुआ हो. तो RAT हमने कराया तो था बट उसका सर्टिफिकेट हम लेके नहीं आए थे. तो नीचे अभी एक बार फिर से हमारा कोविड टेस्ट हो गया. तो ऑल ओवर अभी तक जो है लखनऊ से लेके यहाँ तक, जब मुझे कोविड हुआ था तब से लेके अभी तक, मेरे ख्याल से मुझे 6-7 बार तो मेरा कोविड का टेस्ट हो ही गया है. इस जगह जो हम आए हैं यहाँ पे, अगर आप बैकग्राउंड देखो तो एक ये जगह है और उसके बाद यहाँ ऊपर ये जो पहाड़ में बादल, बादल में पहाड़, जो भी कहो, तो ये जो जगह ये बहुत सुंदर लग रही है. और मैंने शायद ऐसा कहीं पे देखा है, जब हम कुंफू पांडा मूवी देखे हो या फिर अगर चाइनीज कार्टून या जापानीज कार्टून जो भी हम देखते हैं, जैसे निंजा हथौड़ी हो गया, तो उसमें कुछ कुछ ऐसी वाइब आती है जब उसमें वो विंटर सीजन दिखाते हैं और वो लोग पहाड़ी वाले मंदिर पे जाते हैं. यहाँ पीछे ये पहाड़ है, अरे मतलब इस चीज के पीछे पहाड़ है. पहाड़ के बीच में से जब पानी आ रहा है तो वही पानी यहाँ से एक हॉट स्प्रिंग करके यहाँ से पानी निकल रहा है. तो अभी हम आ गए हैं परियों के महल. ये अभी जो पिछला वाला गार्डन था उसी का हिस्सा है, मतलब उसी से थोड़ा सा और ऊपर है. सबसे बढ़िया जगह तो मुझे ये लग रही है कि बाउंड्री जैसा कुछ खास है नहीं, उसके बाद सीधे मतलब नीचे ही अभी मैं दिखा रहा हूँ. इस जगह को कहते हैं परियों का महल.
यहाँ से अगर नीचे कुछ दिख रहा हो तो वो इतना नीचे है, मतलब काफी एलिवेटेड है ये जगह, काफी ज्यादा ऊंची जगह पे है ये। सो दिस इज द व्यू आई एम गेटिंग फ्रॉम हेयर। और नीचे की साइड आपको वहाँ पे छोटा सा एक हेलीपैड भी दिख रहा है, एंड ये व्यू बाउंड्री लेस है, मतलब ये इतनी बड़ी बाउंड्री है, अगर मेरा पैर देखो तो इतना सा और ये बाउंड्री इतनी, एंड दिस इज द व्यू, एंड अगेन अमेजिंग, जे एंड के इज अमेजिंग। गवर्नर हाउस से कॉल आ गया है, 5:30 बजे का वहाँ पे मीटिंग सेट है, बट अभी टाइम बचा हुआ है। एकदम पास ही में ज्येष्ठा देवी मंदिर है, फिर से थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी। ये बात भी है कि गवर्नर्स हाउस जाके वहाँ पे व्लॉग करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, मे बी इन केस अगर मैं व्लॉग नहीं कर पाऊंगा तो मैं आगे एक पिक्चर लगा दूंगा गवर्नर के साथ। तो अभी हम वापस आ गए हैं RTC में, और आज का जो हमारा सबसे मेन काम था जिसकी वजह से हम श्रीनगर से बाहर नहीं गए थे, श्री मनोज सिन्हा जी से मिलने का जो काम था, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये है आज की हमारी डिनर टेबल। आज हम मेस में नहीं, क्योंकि मेस तो बंद हो गई है, अपने वो टाइम पे ही चलती है, तो आज हमें वापस आने में लेट लगा था, इसलिए हमने पहले से कह दिया था कि हमारे रूम में ही आप खाना पहुंचा दीजिएगा, तो पहले से ही आ गया था खाना। तो अगर आपने ये वाला व्लॉग यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय।